सेंसेशनल हेडलाइंस और आधी कच्ची इन्फॉर्मेशन को लेके अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी डेट्रीमेंटल होगा। डेट्रीमेंटल इसलिए, एक एग्जांपल लेते हैं। बीते दिनों में एक अनाउंसमेंट की गई फेड के चेयरमैन द्वारा, जेरोम पावल द्वारा, कि अब फेड अपना क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम में जो परचेजेस हैं उसको कम करने जा रहा है बॉन्ड्स की। इस इंफॉर्मेशन को लेके मार्केट में काफी किस्म की र्यूमर्स फैलनी शुरू हुई और इन र्यूमर्स में एक र्यूमर ने काफी काफी तुल पकड़ा, काफी आग पकड़ी, और वो ये थी कि मार्केट्स जैसे 2013 में करेक्ट हुई थी अब फिर से करेक्ट होने जा रही हैं, और इसी के चलते ये माना जा रहा है कि आप अपने स्टॉक्स, अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करें ताकि जब कभी करेक्शन आए उसका इंपैक्ट आपको देखने को कम मिले। ये एक ऐसी चीज है जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं हर हफ्ते एज ए पार्ट ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, कि हर न्यूज, हर डेवलपमेंट के दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि एक सेंसेशनलिज्म है इस हेडलाइन के पीछे, एक रेलेवेंट फैक्ट भी है बाय द वे जिसको लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, और दूसरा साइड इसका है कि आप इन्फॉर्म्ड बने, आप उसको समझें, आप उसको अच्छी तरह से परखें, फिर डिसीजन लें। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर द थर्ड एम्पायर एक ऐसा एफर्ट है हमारी तरफ से ताकि हम आपको इन इवेंट्स के बारे में अवगत करा सकें, आपको इन इवेंट्स के बारे में अप टू डेट कर सकें। आज हम थर्ड एम्पायर की एक मास्टर क्लास सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं और इस सेशन में हम दो पहलू रखेंगे, एक पहलू जो कि हेडलाइंस के पीछे छुपा हुआ है और एक पहलू जो सच्ची में आपको समझना जरूरी है एज ए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। तो इस चीज को आज हम एकम्प्लिश करेंगे, बट उसके लिए आपसे 15-20 मिनट नहीं, मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरा साथ देंगे। एक कप चाय ले लीजिए साथ में कुछ खाने के लिए, पेन पेपर नोट्स जरूरी हैं आज के लिए, बिकॉज ये आपके लिए मास्टर क्लास सेशन है। रिमेंबर, ये सेशन आप तक थर्ड एम्पायर बाय रिसर्च एंड रैंकिंग के द्वारा लाया जा रहा है। तो फिर शुरू करें, लेट्स बिगिन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स का मार्केट से क्या लेना देना है। अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट को समझ पाए तो हम समझ पाएंगे कि इंटरेस्ट रेट का बॉन्ड प्राइसेस से एक बहुत करीबी नाता है, और जो अनाउंसमेंट्स अभी हुई हैं इन अनाउंसमेंट्स को लेके इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड प्राइसेस के आपस के रिलेशन में आपके पोर्टफोलियो के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इसको हम बहुत केयरफुली आपको समझाने की कोशिश आज करेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने से मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑलराइट, इसको ऐसे समझिए कि फेड ने फॉर एग्जांपल डिसाइड किया कि वो इंटरेस्ट रेट्स अपने बढ़ाने जा रहे हैं। फेड मतलब सेंट्रल बैंक, जो अभी अमेरिका में 0.5% के नीचे भी इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं। अगर फेड सेंट्रल बैंक डिसाइड करता कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए तो क्या होगा? नंबर वन, जब फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है उसके कॉस्ट बढ़ जाते हैं, और ये बढ़े हुए कॉस्ट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने तक सीमित नहीं रखते, आगे अपने अपने बोरोअर्स तक इन कॉस्ट को ट्रांसलेट करते हैं। इन द सेम सेंस ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपसे बैंक, आपके बैंक तक, और आपके बैंक से आप तक कॉस्ट बढ़ते चले जाते हैं। तो आपकी ईएमआई महंगी हो जाएगी, आपके क्रेडिट कार्ड के कॉस्ट महंगे हो जाएंगे, आपके मॉर्गेज लोन्स महंगे हो जाएंगे, और वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो आज तक आप कर रहे थे, आपके हाथ में खुले पैसे थे, अब आप कम करना स्टार्ट कर देंगे। इन अ सिमिलर सेंस जो कंपनीज हैं वो भी तो पैसा लेते हैं ना बैंक से अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, तो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ जाएगी कंपनीज की। कंपनीज के लिए दुगना नुकसान, अगर आप लैक ऑफ फेयर वर्ड अगर आप समझना चाहें, कंपनीज के लिए दुगना नुकसान हो जाता है। नंबर वन कि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है जैसा हमने देखा, और नंबर टू कंज्यूमर्स की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कमी देखने को मिलती है, तो उनकी रेवेन्यूज, उनकी सेल्स भी कम हो जाती है।
और अगर उनकी रेवेन्यूज कम हो गई, उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे तो इम्पैक्ट जरूर नजर आएगा। इसीलिए आगे आने वाले कैश फ्लोज के ऊपर जो एस्टिमेट्स अब स्ट्रीट इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, मार्केट इकट्ठी करनी स्टार्ट कर देती है, उसमें कहीं ना कहीं लोअर नंबर्स की गिनती दिखाई देती है। इसीलिए कहा जाता है कि अब मार्केट्स वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर स्टॉक की उसको डिस्काउंट करके, पहले अगर एक पीई लेट्स सपोज 25 का देने को तैयार थी, अब उसको 23-22 टाइम्स का देने को तैयार हो जाती है। तो इसके चलते स्टॉक प्राइस करेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर बहुत सारी कंपनीज ऐसी मिले आपको जहां पे स्टॉक प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं, और एक इंडेक्स के ऊपर अगर आप देखें इसका प्रभाव, तो इंडेक्स भी नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। नए नौसिखिए इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी समस्या वाली सिचुएशन आ जाती है, बिकॉज उसने पहले ऐसा कभी देखा नहीं होता, और अगर उसने ये चीज पहले नहीं देखी, नहीं समझी, तो वो घबरा जाता है, और इसीलिए स्टॉक मार्केट को वो एक रिस्की गैम्बल की तरह देखना स्टार्ट कर देता है। और इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि इंटरेस्ट रेट्स का कम होना ये मतलब नहीं है कि सारी इंडस्ट्रीज सफर करती हैं। बैंकिंग सेक्टर को ले लीजिए, मॉर्गेज लैंडिंग कंपनीज को ले लीजिए, इंश्योरेंस कंपनीज को ले लीजिए, ब्रोकरेज फर्म्स को ले लीजिए, इनकी कॉस्ट ऑफ लैंडिंग बढ़ जाती, इनकी फीस बढ़ जाती है, इनकी इनकी लेंडिंग जो है उसकी वजह से जो उनका मुनाफा है वो बढ़ जाता है। सो व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो अप, इस किस्म की कंपनीज ज्यादा फायदे में देखने को मिलती हैं। तो अगर आप इसको समझना चाहें कि इंटरेस्ट रेट की वजह से स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, तो वो इंपैक्ट इस तरीके से आता है कि इंटरेस्ट रेट्स जब कम किए जाते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए आपके हाथ में, मेरे हाथ में पैसा थोड़ा ज्यादा आता है, बिकॉज हमारी ईएमआई सस्ती हो जाती है, हमारे क्रेडिट कार्ड की कॉस्ट कम हो जाते हैं, इसीलिए एक डिमांड, एक स्पेंडिंग बढ़ जाती है, इसकी वजह से रेवेन्यूज कंपनी की बढ़ती हैं, दूसरी तरफ कंपनीज की बोरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती हैं, और एक ओवरऑल मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में देखने को मिलता है अगर इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाएं। इसके विपरीत अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएं, तो आप समझ सकते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो जाएगी, और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम होने के मद्देनजर ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए कंपनीज के एस्टिमेट्स भी कम हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने या घटने के कारण स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है अब थोड़ा बेहतर समझ में आ रहा है। अब हम समझते हैं कि बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स का आपस में क्या रिलेशन है, और ऐसा क्यों देखा जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने या घटने से बॉन्ड के प्राइसेस कम होते हैं या बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो इससे पहले हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। लाइक द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, एवरीबडी नीड्स मनी, और इस मनी को रेज करने के लिए बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। बॉन्ड्स खरीदने वाले आप, मैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो हम एक तरीके से गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं। अगर हम लोन दे रहे हैं तो हमें वापस कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट में चाहिए, और हमें अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस चाहिए। तो इंटरेस्ट में जो हमें चीज मिलती है जब हम बॉन्ड्स खरीदते हैं, उसको हम कूपन रेट्स या कूपन इंटरेस्ट कहते हैं, जो हमें एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे मिलता है, और जब कभी हमारी मैच्योरिटी आती है बॉन्ड की, चाहे वो एक साल बाद हो, तीन साल बाद हो, पांच साल बाद हो, सात साल बाद हो, दस साल बाद हो, पंद्रह साल, बीस साल, तीस साल बाद हो, हमें अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलता है। कूपन रेट्स डिफर करते हैं, वेरी करते हैं सालों के हिसाब से। ये तो आपने समझा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब आप समझिए कि यूएस ट्रेजरी, जो कि खुद पैसे रेज करना चाहती है, इनके बॉन्ड्स काफी सिक्योर माने जाते हैं। अगर यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड्स सिक्योर नहीं, तो मुझे मालूम नहीं किसके सिक्योर होंगे, बट इनको रिस्क फ्री माना जाता है, बिकॉज यूएस ट्रेजरी माना जाता है कि अपनी कमिटमेंट्स पे हर समय खारी उतरती है। तो आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स आपकी प्रिंसिपल पेमेंट्स को हर समय ऑनर करेंगी, इसलिए बॉन्ड इन्वेस्टर्स बेहिचक होके यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते आए हैं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड के प्राइसेस में क्या रिलेशन है। रिलेशन ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड प्राइसेस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड प्राइसेस हम कंपेयर करना चाहें, इंटरेस्ट रेट्स जैसे ही कम होंगे, बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स
जैसे ही बढ़ेंगे बॉन्ड प्राइसेस कम होंगे। तो अब आगे जब हम मैं आपसे डिस्कस कर रहा करने जा रहा हूं कि लाइकलीहुड है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, तो आप ये समझिएगा कि बॉन्ड प्राइसेस कम होने जा रहे हैं। सो अब आपने समझा रिलेशनशिप क्या है इंटरेस्ट रेट्स का बॉन्ड के प्राइसेस का, बट आप ये समझिए कि इन्फ्लेशन के साथ इंटरेस्ट रेट्स का क्या लेना देना, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स, जब इंटरेस्ट रेट्स आपके कम होते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ बॉरोइंग भी कम होती है। जब आपकी कॉस्ट ऑफ बॉरोइंग कम हो गई तो आपके हाथ में ज्यादा पैसा आया, इसलिए डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के मायने में अगर आप देखें तो आपके पास पहले के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे हैं, तो आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे। इसीलिए कोई भी एक ऐसी चीज जो आप पहले खरीदना चाह रहे थे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के टर्म्स में आपके बजट के हिसाब से थोड़ी सी महंगी थी, अब जब कॉस्ट ऑफ बॉरोइंग आपकी कम हो चुकी है तो अब आप उसको खरीद सकते हैं। बट इशू कहां है कि कंपनीज भी इस चीज को आइडेंटिफाई करती हैं कि लिक्विडिटी काफी है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए काफी पैसा लोगों के हाथों में है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम हल्का सा बढ़ा दिया जाता है। गेस व्हाट, हम में से बहुत लोग अभी भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के मायने में उस चीज को अफोर्ड करना पसंद करते हैं। तो पहले जो 10 रुपए की चीज थी अब वो 11-11.5 रुपए की चीज अगर हो गई है तो भी हम खरीदने चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट्स जैसे कम होते हैं आपके मेरे हाथ में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए पैसे ज्यादा होते हैं, बिकॉज हमारी कॉस्ट ऑफ बॉरोइंग कम होती है। हम किसी भी चीज को खरीदने के लिए 2 पैसे ज्यादा देने में ऐतराते नहीं है, हिचकते नहीं है, इसीलिए कॉस्ट जो है उस पर्टिकुलर चीज का बढ़ता चला जाता है, टू द पॉइंट दैट इन्फ्लेशन, जो कि आपने सही समझा है टर्म, आप बार बार सुन चुके हैं कि अगर आप किसी चीज को 10 रुपए में ले रहे हैं पिछले साल, इस साल वो 10 रुपए की नहीं मिलेगी आपको, वो हो सकता है 10 रुपए 10 पैसे की मिले, हो सकता है 10 रुपए 6 पैसे 10 रुपए 5 पैसे की आपको मिले, तो इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक्स जो हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक इन्फ्लेशन का टारगेट लेके चलते हैं, जैसे RBI का अपना टारगेट है 6% का, जैसे US Fed का टारगेट है 2% का, इसके ऊपर अगर जाता है तो उनको समझ में आ जाता है कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो चुका है, इकोनॉमी वापस अपने ट्रैक पे आ चुकी है, बिकॉज लोग स्पेंड कर रहे हैं, मार्केट में पैसा है, लिक्विडिटी है, बैंक्स के पास है, सब लोगों के पास है पैसा। तो जब कभी इन्फ्लेशन रेट ज्यादा बढ़ता है सेंट्रल बैंक्स के हाथ में एक हथियार है कि वो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो स्पेंडिंग कम हो जाती है और कंपनीज फोर्स हो जाती हैं अपने प्राइसेस कम करने के लिए। इसीलिए जो चीज महंगी अब 10 रुपए 5 पैसे 10 रुपए 10 पैसे की हो चुकी है वो वापस 10 रुपए की हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा द इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन के बीच में जो डायनेमिक्स हैं और इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड प्राइसेस के बीच में जो डायनेमिक्स हैं। 2013 टेपर टेंट्रम जैसे हम मेंशन करते हैं वैसे ही इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में एक किस्म का शॉक, एक किस्म का पैनिक देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप टेंट्रम वर्ड की डेफिनेशन देखना चाहें, इंग्लिश डिक्शनरी में टेंट्रम का मतलब है एक अनकंट्रोल्ड आउटबर्स्ट एंगर का और फ्रस्ट्रेशन का। एंगर और फ्रस्ट्रेशन किस में, इन्वेस्टर्स में। क्यों, इसको समझने के लिए आपको बहुत समझना जरूरी है कि 2008 में जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन जो क्राइसिस हुआ था, उस क्राइसिस के बाद में लोगों के बीच में बैंकिंग सेक्टर को लेके जो सेंटिमेंट्स थे वो काफी फ्रेजाइल थे, यकीन बहुत ही कम था, इसलिए फेड को जंप करना पड़ा, स्टिमुलस प्रोवाइड करना पड़ा, किसी किस्म के यकीन को वापस रीइंस्टेट करने के लिए कांस्टेंट परचेजिंग करनी पड़ी फेड को US एसेट्स की जो कि ट्रेजरी बॉन्ड्स थे। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम 1 ट्रिलियन वर्थ बॉन्ड्स फेड के पास थे जो कि स्वेल होके 3 ट्रिलियन तक हो गए थे 2013 तक। इतना पैसा, इतनी लिक्विडिटी फेड ने इन्फ्यूज की थी और जब कभी बॉन्ड्स फेड परचेज कर रहा था इंटरेस्ट रेट्स कम थे। इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो अब आप समझ चुके हैं ना कि मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। तो हम सब में इंक्लूडिंग माई सेल्फ एक बिलीफ थी कि फेड तो है कि फेड विल जंप इन, फेड विल रेस्क्यू एवरीथिंग, बट फेड टू हैज इट्स ओन बजट्स and balance sheets to maintain, right? So what did Fed do? 2013 में Fed वापस आया, Ben Bernanke उस समय US Fed के chairman थे, उन्होंने announce किया कि वे
एट सम फ्यूचर पॉइंट इन टाइम एसेट्स की परचेज को टेपर करने जा रहे हैं, उनको कम करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा बायर बॉन्ड्स का, अगर ये आके अनाउंस करे कि वो बॉन्ड्स को कम बाई करने जा रहा है, तो बॉन्ड्स के प्राइसेस क्या होगा? ठीक सोच रहे हैं आप, कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। बॉन्ड्स के प्राइसेस जब कम होते हैं तो क्या बढ़ता है? ठीक सोच रहे हैं आप, इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, हम देख चुके हैं। तो जिनके पास बॉन्ड्स थे उन्होंने फ्रेंटिकली बॉन्ड सेल करने स्टार्ट कर दिए। दो इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद में मार्केट्स 6% करेक्ट हुई थी, इसके इंपैक्ट ग्लोबली देखने को मिले थे। एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम फेड चेयर ने आके इस चीज को क्लैरिफाई किया कि ये मैं इकोनॉमिक रिवाइवल के मद्देनजर कर रहा हूं, ये मैं सेंटिमेंट्स जो बूस्ट हो रहे हैं उसके लिए कर रहा हूं। और बहुत ही रेगुलर इंटरवल पे उन्होंने आपके लोगों को समझाने की कोशिश की कि इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी बाइंग को टेपर करें। मोर इंपॉर्टेंटली उन्होंने टेपर किया नहीं था। अगर आप वापस जाके देखें हिस्ट्री को, 2013 से 2015 के बीच में फेड ने टेपर नहीं की अपनी बाइंग, इनफैक्ट उस बाइंग को बढ़ा के 1.5 ट्रिलियन वर्थ ट्रेजरी बॉन्ड्स और खरीदे। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको टेपर टैंट्रम 2013 थोड़ा बेटर समझ में आ रहा है। अब समझने की कोशिश करते हैं जो रीसेंट अनाउंसमेंट की गई है यूएस फेड चेयर द्वारा, उसको लेके इतना ज्यादा मार्केट में पैनिक, इतने ज्यादा रूमर्स क्यों फैल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अनाउंसमेंट क्या की गई, एफओएमसी की मीटिंग जो हुई जुलाई की, उसके मिनट्स के बाद में यूएस फेड चेयर जेरोम पावेल ने आके ये अनाउंसमेंट की कि अब फेड ये कोशिश करेगा कि 120 बिलियन पर मंथ की जो परचेज है उनकी बॉन्ड बाइंग की, उसको बाय द ईयर एंड वो कंसिडर कर सकता है उसको कम करना। उन्होंने ये नहीं कहा कि कम करेगा और किस डेट पर कम करेगा, उन्होंने कहा कि इस बॉन्ड बाइंग कि जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है उसको वो कम कर सकता है। दूसरी चीज जो उन्होंने कही जेरोम पावेल जी ने, वो ये कही कि फेड किसी भी हरी में नहीं है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के लिए, और इस चीज को लेके मार्केट ने इन दोनों अनाउंसमेंट्स को लेके बहुत चीयर किया, बहुत ही खुशी मनाई गई। एटलीस्ट ये खुशी आपको बॉन्ड के आपको स्टॉक के प्राइसेस में दिख रही है, मार्केट्स में दिख रही है कि सबसे पहली बात लोग मान रहे थे कि इस अनाउंसमेंट के बाद में इंटरेस्ट रेट्स इमीडिएटली बढ़ा दिए जाएंगे या एसेट्स की जो बाइंग है उसको टेपर कर दिया जाएगा इमीडिएटली स्टार्टिंग सितंबर, और दोनों नहीं हुए। इसीलिए मार्केट्स इस बात की खुशी मना रही है कि ये दोनों थोड़ी टाइम के लिए टल गई है। बट आप इस चीज को ध्यान रखिए कि अब वो क्वेश्चन नहीं है कि इफ होगा, अब क्वेश्चन है व्हेन होगा। तो व्हेन के बारे में अगर आप देखें तो सितंबर 21 और 22 को एक मीटिंग है, नवंबर 2 और 3 तारीख को एक मीटिंग है, दिसंबर 14 और 15 तारीख को एक मीटिंग है। इन मीटिंग्स में कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है कि यूएस फेड अब फाइनली अपने बॉन्ड्स की बाइंग को टेपर करने जा रहा है। अब करने जा रहा है के लिए दो कंडीशंस यूएस फेड ने कहीं कि वो मीट अब हो रही हैं। पहली कंडीशन है कि एक सब्सटेंशियल फर्दर प्रोग्रेस देखी गई इन्फ्लेशन को लेके जो उनके टारगेट्स थे 2% के, तो जब ये इन्फ्लेशन की फिगर 2% के ऊपर गई तो ये माना गया कि इकोनॉमिक रिवाइवल एक अच्छी स्थिति में आ चुका है, और इसीलिए अब अगर टेपरिंग की जाए तो उसका इकोनॉमिक रिवाइवल, इकोनॉमिक ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं होगा। नंबर टू, लेबर मार्केट में भी काफी प्रोग्रेस देखने को मिली है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले 16% का हुआ करता था, अब वो कम होकर 6% के आसपास आ गया है। ये मैं फिगर आपको जुलाई की बता रहा हूं। अब र्यूमर्स कैसे फैल रही हैं या फियर कैसे फैल रहा है, इसको एक सिंपल डायग्राम, सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ पाए। नंबर वन, फियर क्या है? That bonds के prices को taper किया जाएगा। अगर bonds के prices या bonds की buying को अगर taper किया जाता है, और इतनी बड़ी institute Fed अगर bonds की purchase को taper करती है, तो bonds के prices तो कम जाएंगे। अगर bonds के prices कम जाते हैं तो interest rate ऊपर जाएंगे। Interest rates ऊपर जाएंगे तो stock market के ऊपर जो impact है वो आपको और मुझे मालूम है क्या होगा। More importantly, जब कभी bond के prices कम होते हैं तो bond की yields बढ़ जाती हैं। मतलब जो इंटरेस्ट और जो कूपन पेमेंट्स के ऊपर आपको पैसा मिल रहा है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर बॉन्ड के प्राइसेस कम होंगे बिकॉज ऑफ
the tapering that has happened, then the yields on the bonds ये बढ़ जाएंगे. Yields on the bonds किस चीज के लिए बढ़ रही है? Treasury US bonds की. ये तो काफी सेफ मानी जाती है ना. अगर एक तरफ हम मान रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा, खासकर रिस्कियर मार्केट्स जैसे इंडिया, जैसे इमर्जिंग मार्केट्स, अगर उनके ऊपर कुछ इंपैक्ट आएगा, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड्स की यील्ड्स बढ़ रही हैं, बॉन्ड के प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि एफआईआईज अपना पैसा इमर्जिंग मार्केट से खींचेंगे और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में डालेंगे. तो इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा खींच के वो यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड्स और रिस्क फ्री एसेट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, ऐसा माना जा रहा है. और इसीलिए मार्केट में करेक्शन होंगी. क्या ऐसा है? चलिए देखते हैं. अब आप समझ चुके हैं रिलेशन बिटवीन बॉन्ड्स, बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स, बिटवीन व्हाट वाज अनाउंस्ड. और आप ये भी समझ चुके हैं कि काफी रूमर्स फैल रही हैं, बट आप अब समझिए कि डेटा क्या कहता है. आप इंग्लिश में सेइंग है, उसको मैं हिंदी में नहीं कह सकता. वो सेइंग ये है कि इन गॉड वी बिलीव, अदर्स मस्ट ब्रिंग डेटा. आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, बिकॉज डेटा झूठ नहीं बोलता. सबका मानना है कि एफआईआईज अपना पैसा इंडियन मार्केट से खींच रहे हैं. क्या डेटा सजेस्ट करता है? ऐसा नहीं है. जुलाई में सच है कि 23,000 करोड़ की एफआईआई ने सेलिंग की थी. अगस्त में 2,500 करोड़ की सेलिंग की गई. और इन द मंथ ऑफ सितंबर, एक दो दिन ही हुए हैं, बट 666 करोड़ की बाइंग की गई है मार्केट में. ईयर टू डेट पूरे साल में अभी तक एफआईआईज 7 बिलियन यूएस डॉलर्स की परचेज कर चुके हैं इक्विटीज की. आप मुझे बताइए ना, क्या ये एक्सोडस है? क्या एफआईआईज अपना पैसा खींच चुके हैं मार्केट से? ऐसा नहीं है. नंबर टू, ये स्टिल बड़े अर्ली डेज हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम के. अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, बट दीज आर स्टिल दी अर्लियर डेज. नंबर थ्री, यूबीएस ने एक अनाउंसमेंट की है कि अगर टेपरिंग अगर हुई भी बॉन्ड परचेजेस की, इसके बड़े मोडेस्ट इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे मार्केट के ऊपर, अनलाइक जो इफेक्ट्स आपको देखने को मिले थे 2013 में. 2013 और 2021 का टाइम बहुत अलग है, बहुत अलग है. मैं सिर्फ कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की, जो कि 2013 में बहुत अलग थी, 2021 में बहुत अलग है. अब बहुत सारी इकोनॉमीज बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं, बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स कॉर्पोरेट अर्निंग्स के रिपोर्ट किए जा रहे हैं. ये टाइम 2013 वाला नहीं. और माना जा रहा है कि अगर टेपरिंग हुई भी तो एक इकोनॉमिक स्लो डाउन के ऊपर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा. मोर इंपॉर्टेंटली, फेड ने इस बार वो गलती नहीं की है जो 2013 में की थी, वो थी शॉक देने की मार्केट को. इस बार फेड बहुत केयरफुली अपने वर्ड्स को, अपने इंटेंशंस को टेलीग्राफ कर रहा है नन्हे नन्हे बेबी स्टेप्स के टर्म्स में, कि सबको प्रिपेयर कर रहा है कि आप माने कि मार्केट्स में इस किस्म की जो टेपरिंग है वो जरूरी है, और सबको प्रिपेयर कर रहा है. एंड अगर आप फियर गेज देखें, जो कि CBOE वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहा जाता है, इस इंडेक्स में फ्राइडे के दिन 13.0 का गिरावट देखने को मिली. आज की डेट में जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो 13.3 के आसपास का है. ये अपनी हायर पीक से काफी कम है. तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मार्केट्स में उस किस्म का पैनिक नहीं है, मार्केट्स अपनी ईज पे हैं. मोर इंपॉर्टेंटली, बहुत लोग बिलीव कर रहे हैं कि हो सकता है सितंबर 21-22 की मीटिंग में भी फेड अनाउंसमेंट्स ना करे, बिकॉज डेल्टा वेरिएंट इज ऑन अ स्प्री, इज आउट देयर कॉजिंग हैवक. और इन चीजों को मद्देनजर रख के फेड अपनी बॉन्ड की टेपरिंग हो सकता है ईयर के Q4 तक डिले करे. ऐसे काफी हेडलाइंस और सेंसेशनल वीडियोज यूट्यूब में अब देखने को मिल रहे हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप इन वीडियोस को किस नजरिए से देखें. फॉर एग्जांपल, एक वीडियो का नाम मैं ले रहा हूं जिसका नाम है मार्केट क्रैश लुक्स लाइक 2013 टेपर टेंट्रम. अगर आप इस वीडियो को देखेंगे आप समझ पाएंगे कि पैनिक होने के सारे रीजंस हैं. और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आपको मार्केट की सच्चाइयों को डिसाइफर करना बहुत जरूरी है. आपको यह जरूरी है समझना कि टेपर टेंट्रम इस बार का टेंट्रम सच्ची में कहलाएगा या टेपरिंग ही कहलाएगा सिर्फ. और अगर ऐसी इंसिडेंट्स, ऐसी कुछ इवेंट होती है जहां पे टेपरिंग भी होती है, उसका आपके पोर्टफोलियो के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा,
आपको बहुत समझना जरूरी है। अब मैं आपको वो पहलू, वो नजरिया आप दिखाने जा रहा हूं जो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर देखता है, जो कि आम इन्वेस्टर नहीं देखता। ये पहलू, ये नजरिया मैं देखता हूं, मेरे जैसे बाकी के इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, हम कोशिश कर रहे हैं रिसर्च एंड रैंकिंग में कि आपको ये नजरिया, ये पहलू दिखा सकें। चलिए इस पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि टेपरिंग होती है, मान लेते हैं कि टेपरिंग होती है। आप ये भी तो समझिए ना, मार्च 2020 से लेके अभी तक सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, हर कंट्री की हर किस्म के स्टिमुलस अनाउंस कर चुकी है। इतना पैसा पंप किया जा रहा है मार्केट्स को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, इंटरेस्ट रेट्स को कम रखने के लिए, कि आज की डेट में इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी जरूरी है। तो अगर इस मद्देनजर अगर आपकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ाए भी गए, चाहे टेपरिंग हो या ना हो, वो एक हेल्दी साइन है। एक चेक्स एंड बैलेंसेस का जो खेल है वो चलना चाहिए, वो जरूरी है। तो हर समय आप लिक्विडिटी और सपोर्ट की आस में बैठे रहें और समझें कि फेड आपको हर समय सपोर्ट करता रहे, ऐसा नहीं होगा ना। एक दिन वो भी आएगा जब इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि एक अच्छा नजरिया है देखने का। नंबर टू, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए कि ये 2013 नहीं है। इस बार अगर टेपरिंग हुई तो टैंट्रम्स नहीं दिखाई देंगे आपको, इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं दिखाई देगी आपको। इस बार हम और आप प्रिपेयर्ड हैं, बिकॉज इस बार इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत डिफरेंट हैं 2013 के कंपैरिजन में। मोर इंपॉर्टेंटली, अब आप और मैं बात करते हैं एक इन्वेस्टर की हैसियत से। 2020 मार्च 23 तारीख जब निफ्टी 7,650 की लेवल पे था, और आज की डेट में जब 17,200 लेवल्स क्रॉस कर चुका है सितंबर फर्स्ट वीक में 3rd तारीख को, तो आप 124% ग्रोथ देख चुके हैं ना निफ्टी की। अगर आप इतनी ग्रोथ देख चुके हैं तो आपको तैयार भी रहना पड़ेगा कि किसी न किसी दिन किसी भी किसी न किसी किस्म की करेक्शंस इस मार्केट में देखने को मिलेंगी। ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट्स हर समय लीनियर वे में ऊपर चलती चली जाएं और आपको किसी भी किस्म की करेक्शन की बैड न्यूज ना मिले। टेपरिंग बहाना नहीं है करेक्शन होने का, और भी काफी बहाने हैं जिसकी वजह से करेक्शन हो सकती हैं, पर टेपरिंग के नाम पे हम कहते हैं ना कि पर्ची मत काटिए आप, वैसा नहीं होने वाला। नंबर टू, जो जीडीपी की ग्रोथ देखी जा रही है अगले 10 साल के लिए, वो 11% नॉमिनल की देखी जा रही है ऑन एन एवरेज एवरी ईयर। आप इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं जीडीपी की ग्रोथ नॉमिनल 11% देखी जा रही है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। यहां से अर्निंग्स 2 गुना बढ़ने वाली है अगले अगले 5 सालों में। अगर हम इंडेक्स को अर्निंग्स को भी मिमिक करते देखें तो इंडेक्स यहां से डबल होने जा रहे हैं 5 से 6 साल में। आज अगर 5 या 6% अगर करेक्शन मार्केट में हो भी जाती है, चलिए आपकी बात मैंने बड़ी कर ली, चलिए उन र्यूमर मॉन्गर्स की बात मैंने बड़ी कर ली, तो क्या आप अपना पोर्टफोलियो बेच देंगे? आप अपनी सारी होल्डिंग्स बेच देंगे बिकॉज आपको किसी ने बताया मार्केट करेक्ट होने जा रही है? या आप उस स्टॉक में, उस आड़ में बैठेंगे कि आपको गुड क्वालिटी बिजनेसेस किसी न किसी रूप में करेक्ट होते नजर आएंगे, उनकी गलती की वजह से नहीं बट मार्केट की कंडीशंस की वजह से, और आपको एक मौका मिलेगा कि आप अच्छे बिजनेसेस को खरीद सकें, क्या करेंगे आप? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप शॉर्ट टर्म व्यू को मत देखिए। अगले आने वाले 10 सालों में जब आप जीडीपी 11% से ग्रो करती नजर आ रही है, जब अर्निंग्स आपको दुगनी होनी नजर आ रही हैं, जब इंडेक्स यहां से दोगुना नजर होते आ रहा है अगले 5 से 6 सालों में, तो 5-6% की डिप डिक्लाइन में आप घबरा जाएंगे क्या? बिकॉज आप हेडलाइंस देखते हैं, बिकॉज आप र्यूमर्स में बिलीव करते हैं, बिकॉज आप वो फ्लैशी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, या आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं? ये चॉइस आपकी है। हम आपको हेल्प करना चाह रहे हैं कि सारी पहलुओं को प्रोज एंड कॉन्स के रूप में, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन के रूप में समझाने की पूरी पूरी हमारी तरफ से कोशिश है और करते रहेंगे। ये आज की एक मास्टर क्लास है, एक कलेक्टर्स एडिशन है,
आज आप इसे देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं आज से आने वाले 10 सालों में भी टेपर टेंट्रम तो नहीं बदलने वाला, इन्वेस्टिंग के ये टर्म्स तो नहीं बदलने वाले, ये सच्चाइयां तो नहीं बदलने वाली। आप अपने बेटे, आप अपनी बेटी, अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को, अपनी वाइफ को भी अगर एजुकेट करना चाहें, भी इन्फॉर्म करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। बिकॉज ये फंडामेंटल्स आज मैं नए नए ही बता रहा, ना कोई कल आके बताएगा, हो सकता है मेरी बेटी आपको बताएगा आके। टाइम्स चेंज हो जाएंगे बट फंडामेंटल्स वही रहेंगे ना, और इसलिए मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इनको समझें और इसको कलेक्टर्स एडिशन मान के अपनी लाइब्रेरी में जरूर रखें। उसके लिए आपको डैशबोर्ड पे लॉग इन करना होगा, क्योंकि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर सीरीज के नजरिए से के जरिए से आप तक लाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवारजन सुखी रहें, सेहतमंद रहें। इस उम्मीद से मैं संजीव आनंद आपसे विदा लेता हूं, और इस उम्मीद से कि हम फिर मिलें, जल्दी मिलें, आपको और आपके परिवार को सेहतमंद रहने की शुभकामनाएं देता हूं। फिर मिलते हैं।